हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। 50 में 50 आपके यहीं से आएंगे, एकदम क्वेश्चन को आपको रट जाना है। तो चलिए देखिए, आपकी 2024 में जो एग्ज़ाम होगी उसी बेस पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम, यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद था। क्या था? बेनी प्रसाद था। नेक्स्ट है, युद्ध और शांति समस्या के लेखक किसकी कृति? युद्ध और शांति कुरुक्षेत्र के। नदी के द्वीप की रचना किसने किया? नदी के द्वीप की रचना आगे ने किया। कौन किया? आगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका रूप है? शिव और पार्वती का। किसका हो जाएगा? शिव और पार्वती का हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंधारी कौन थी? गंधारी कौन सी थी? दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भिखरे मोती क्या है? तो भिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। क्या हो जाएगा? कहानी संग्रह। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला निराला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए प्रतिमान लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान लेखक नामवर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह हो जाएंगे। बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग, यह कविता किस पंक्ति के लिए हो जाएगा? तय हो, तय तो यही था, तय तो यही था, यही हो जाए। नेक्स्ट है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। क्या हो जाएगा? कालीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट प्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट प्रीडम, यह जय कृष्ण मूर्ति। किसके? जय कृष्ण मूर्ति के। नेक्स्ट, आंसू किनकी रचना है? तो आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो झरना। कौन सा हो जाएगा? झरना हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्संग की किनकी रुचि है? सत्संग किनकी रुचि है? तो ये हो जाएगा सूरदास की। क्या क्या हो जाएगा? सत्संग किनकी रुचि है? सूरदास की। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जो है आपके किस भाषा के हैं? तो ये हो जाएंगे ब्रजभाषा। कौन सा हो जाएगा? ब्रजभाषा। जयशंकर प्रसाद कौन सी कृति का उपरण? इरावती। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इरावती हो जाएंगे। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? हो जाएंगे आपके दीवार की एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार की एक खिड़की रहती है। नेक्स्ट है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृति पर मोर्च मणिकोल में फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल किस कृति पर मणिकोल में फिल्म बनाई थी? हो जाएगा नौकर की कमीज। क्या है? नौकर की कमीज। ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। प्रसाद रचयिता महाकाव्य का नाम क्या है? प्रसाद रचयिता महाकाव्य का नाम क्या है? कमायनी है। क्या हो जाएगा? कमायनी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वासानंद अगय। क्या हो जाएगा? तापसंग का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वासानंद अगय हो जाएगा। अगय किस बात से संबंधित है? ये अगय जो है आपके प्रयोगवाद से। क्या हो जाएगा? अगय क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद से हो जाएगा। अगय का नाटक कौन है? तो अगय का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? अगय का नाटक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का संबंध किस कथन से? जय कृष्ण वे प्राय लिखते थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, उपन्यास थे, वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। ऑप्शन आपके डी, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हो जाएगा? जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कवि भूषण की उपाधि थी? कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट की सोलंकी राजा रुद्रशाह के। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह के कवि भूषण की उपाधि थी। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? भूषण ने क्या? करुण रस का प्रमुखता। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण ने कितने अलंकार को निरूपण किया था? शिवराज भूषण ने 105। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। भूषण की कृति क्या है? तो भूषण की कृति क्या है? यह हो जाएगा आपका कभी क्या हो जाएगा? आपका हर्षोल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षोल्लास। क्या हो जाएगा? नहीं हर्षोल्लास, बाकी ये हो जाएगा आपका भूषण हजारा कवित भूषण उल्लास, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो भूषण के नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। भूषण के नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम है साहू जी। क्या हो जाएगा? साहू जी। शिवा बावनी ने कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52 है। कितना हो जाएगा? 52। लोग भूल गए किनकी रचना है? तो लोग भूल गए किनकी रचना? रघुवीर साय की। क्या हो जाएगा? रघुवीर साय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता? अभिनायक विधंग व्यंग प्रधान। क्या हो जाएगा? व्यंग प्रधान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था, यह हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। दशक में छंदक है, दशक में छंदक कितने हो जाएंगे? दस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दस हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, लेखक ओम प्रकाश 30 जून 1950 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, सुलाम कहानी संग्रह के संग्रह क्या हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। थोड़ा बहुत में समास क्या है, थोड़ा बहुत में समास है ध्वन समास, कौन सा है, ध्वन समास हो जाएगा। दुस्साहसन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुस्साहसन का, दुस्साहस का संधि विच्छेद दुह जोड़ साहस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुह जोड़ साहस। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिगंबर में कौन सा संधि है, दिगंबर में दिक जोड़ंबर। क्या हो जाएगा? दिक जोड़ंबर। पवित्र का संधि विच्छेद पौ जोड़ इत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौ जोड़ इत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। परीक्षा का संधि विच्छेद करें परी जोड़ इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परी जोड़ इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अस्थावर का विलोम क्या होता है, अस्थावर का विलोम है जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, सुख का विलोम हो जाएगा आर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र का विलोम आर्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, भात दाल में कौन सा समास है, तो भात दाल आपका कौन सा ध्वन समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ध्वन समास हो जाएगा, भात दाल आपका ध्वन समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलंबर में कौन सा समास, नीलंबर में कौन सा, नीला है अंबर जिसका आधार। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नीलंबर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, साधारण का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा, साधारण का विपरीत अर्थक हो जाएगा असाधारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाधारण हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका आचरण अच्छा के लिए, एक शब्द में क्या हो जाएगा, जिसका आचरण अच्छा इसके लिए क्या कहते हैं, इसको दुराचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दुराचारी कहते हैं। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। जिसके पास धन न हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसके पास धन हो उसको क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, घोड़ा बेचकर सोना निश्चित होना। क्या हो जाएगा? निश्चित होना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है सुखी रहना। क्या हो जाएगा? सुखी रहना। राय का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, राय का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ छोटी बात को बड़ा चना करना, छोटी बात को बड़ा चना का करना। नेक्स्ट, हाथ पांव मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है प्रयास करना। क्या हो जाएगा? प्रयास करना हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ क्या है, हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना। क्या हो जाएगा? तेज दौड़ना। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, धर्म का विशेषण होगा धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। चरित का विशेषण क्या हो जाएगा, चरित का विशेषण चारित्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारित्रिक। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। तो चलिए, आपकी सेशन समाप्त होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।